Dear students, welcome again in the lecture series on non aqueous solvents. तो आपका फिर से स्वागत है इस lecture series में जो कि non aqueous solvents के ऊपर हम लोग बना रहे हैं और इस lecture में हम discuss करेंगे about the different chemical reactions of liquid ammonia. So uh, liquid ammonia is a non aqueous solvent. एक non aqueous solvent है liquid ammonia. तो उसमें क्या क्या reactions possible हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस लिक्विड अमोनिया शो करता है तो इसमें पहली रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है एसिड बेस रिएक्शंस। सो तो एसिड बेस रिएक्शंस जैसे आपने इससे पहले एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि एक्वस मीडियम में एचसीएल एक, एक एसिड होता है और एनए एक बेस होता है तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्वेंट बनाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है पानी में इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो NaCl है और सॉल्वेंट सिस्टम क्या है पानी तो इसमें जो एसिड बेस रिएक्शन होगी इसको हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी कहते हैं तो यहां पर क्या बन रहा है सॉल्वेंट सेम इसी तरीके से क्या होता है अगर हम लिक्विड अमोनिया में कोई रिएक्शन कर रहे हैं अब आपने पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूं पहले लेक्चर में कि हम जो एसिड है लिक्विड अमोनिया में कौन होते हैं अमोनियम कंटेनिंग स्पीसी जिनमें अमोनियम आयन होता है पॉजिटिव आयन होता है सॉल्वेंट जब ऑटो आयनाइज़ होता है तो उस ऑटो आयनाइजेशन से जो दो आयन मिलते हैं एक एनएच फोर प्लस और एक एनएच टू माइनस तो वो स्पीसी जो एनएच फोर प्लस देती है वो क्या होता है अमोनो एसिड और वो स्पीसी जो NH2- minus देगी इन लिक्विड अमोनिया वो क्या होगी अमोनो बेस तो जब एक अमोनो एसिड एक अमोनो बेस के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो वो क्या बनाएगा एक सॉल्वेंट सिस्टम को जेनरेट करेगा यहां क्या बन गया देखिए लिक्विड अमोनिया जैसे यहां पानी बनाता ऐसे यहां पर क्या बन गया लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट जनरेट हुआ और क्या जनरेट होगा सॉल्ट तो जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होगी लिक्विड अमोनिया में तो क्या जनरेट होगा अमोनिया जेनरेट होगी जो कि सॉल्वेंट है जिस सॉल्वेंट सिस्टम में हम वो रिएक्शन कर रहे हैं वही सॉल्वेंट जेनरेट होगा तो वो क्या कहलाएगी एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं सॉल्वेंट बनाते हैं और एक सॉल्ट बनाते हैं लाइकवाइज आप देख सकते हैं ग्वानिडीन है ग्वानिडीन जो कि के एन एच टू से जब रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो ये क्या बनाता है सॉल्वेंट सिस्टम बना रहा है और इसने क्या बनाया एक सॉल्ट बनाया तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है ऐसे ही अगर आप देखेंगे यूरिया को यूरिया केएनएच टू के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर यूरिया जो है वो एक एसिड जो एक एसिड की तरह एक्ट करता है लिक्विड अमोनिया में तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो वीक बेस की तरह एक्ट करता है तो ये एक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे सॉल्वेंट प्लस सॉल्ट फिर देखिए आप ये NH4I, इट इज अमोनो एसिड अब अमोनो बेस की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं अभी तो हमने केवल NH2 कंटेनिंग सॉल्ट पढ़े थे आ, लेकिन जो जो एमाइड्स हैं एमाइड कंटेनिंग ग्रुप्स जो नाइट्राइड हैं, इमिडो ग्रुप है वो भी क्या होते हैं अमोनो बेस होते हैं ओके तो ये एसिड है जिसमें एन फोर प्लस आयन है और इसमें नाइट्राइड uh, ग्रुप है तो ये बेस है ये एसिड है जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे सॉल्वेंट और ये इमाइड ग्रुप uh, जब uh, न, ये अमोनो uh, एसिड uh, से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया देन इट विल फॉर्म द सॉल्ट एंड सॉल्वेंट तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया तो अगर हम लिक्विड अमोनिया में एसिड और बेस रिएक्शंस को डिवाइड करना चाहें तो आप देखेंगे वो रिएक्शन हो सकती हैं रिएक्शंस ऑफ अमोनो एसिड्स भी हो सकती हैं ओके रिएक्शंस ऑफ अमोनो एसिड्स रिएक्शंस ऑफ अमोनो बेसिस एंड अमोनिया कैन बी कैन एक्ट्स एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर तो ये तीन तरीके की रिएक्शंस हैं जो कि लिक्विड अमोनिया में हो सकती हैं। इसमें हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनो एसिड्स अमोनो एसिड्स जो होते हैं किस किस तरीके की रिएक्शन शो कर सकते हैं ये शो कर सकते हैं दे आर यूजफुल इन द सिंथेसिस ऑफ वेरियस हाइड्राइट्स ये जो अमोनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं प्रोटोलिसिस की रिएक्शन कर सकते हैं एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटोन कर सकते हैं तो ये चार तरीके की रिएक्शन हैं जो अमोनो एसिड्स करते हैं इन लिक्विड अमोनिया इसमें अगर हम पहली रिएक्शन डिस्कस करें दैट इज सिंथेसिस ऑफ हाइड्राइट्स तो जो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जो अमोनो एसिड्स हैं देखिए अमोनो एसिड एन फोर बी आर लिया इन लिक्विड अमोनिया ये मैग्नीशियम सिलिसाइड एंड मैग्नीशियम जर्मे नाइट से रिएक्शन करके इनके हाइड्राइट्स बनाता है लोअर हाइड्राइट्स बना सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अमोनो एसिड्स हैं दे आर हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ लोअर हाइड्राइट्स ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम तो ये रिएक्शन है अमोनो एसिड की प्रेजेंस में सिलिसाइड एंड जर्मिनाइट ये क्या बना सकते हैं ये बना सकते हैं हाइड्राइड्स दूसरी जो रिएक्शन है वह है प्रोटोलिसिस प्रोटोलिसिस की रिएक्शन क्या है एक्चुअली इट इज डोनेशन ऑफ प्रोटोन टू द सॉल्वेंट इज प्रोटोलिसिस जब इलेक्ट्रॉन जो प्रोटोन है अगर वो कोई स्पीसीज सॉल्वेंट को डोनेट करे तो उसको हम कहते हैं प्रोटोलिसिस ऑर्गेनिक अमाइड्स जैसे यूरिया है सल्फेमाइड है एसिटामाइड्स है ग्वानेडीन है एक्स एन एसिड इन लिक्विड अमोनिया जब ये लिक्विड अमोनिया की तरह एक्ट जब ये एसिड की तरह एक्ट करेंगे तब ये क्या कर पाएंगे अपना प्रोटॉन इस अमोनिया को दे पाएंगे अगर ये अपना प्रोटॉन इस सॉल्वेंट को दे तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है प्रोटोलिसिस प्रोटोलिसिस हमने क्या कहा डोनेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एन आज टू दिस सॉल्वेंट इज नोन एज प्रोटोलिसिस अब ये इसको प्रोटॉन तब देगा जब ये कैसा होगा एसिडिक नेचर में तो यूरिया है सल्फेमाइड है एसिटामाइड है ग्वानिडीन है दीज आर एसिड्स इन लिक्विड अमोनिया ट हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन टू अमोनिया और ये इस तरीके की species, negative species and positive species. NS3 एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर एक लिया क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट एक्ट एज बेस एंड इट एक्ट एज एसिड तो जो एसिड होंगे वही क्या कर पाएंगे डी प्रोटोनेशन कर पाएंगे तो अपने से एक प्रोटोन को निकालकर अमोनिया को दे देना इज नोन एज प्रोटोलिसिस तो ये अमोनो एसिड है एक्चुअली ये क्या है अमोनो एसिड तो अमोनो एसिड क्या कर सकते हैं अमोनो एसिड कैन डोनेट द प्रोटोन टू दिस सॉल्वेंट अपना प्रोटोन अमोनो एसिड प्रोटोन को दे, इसको अमोनिया को दे सकते हैं और अमोनियम आयन फॉर्म करेंगे इसका मतलब ये क्या है अमोनो एसिड है तो अमोनो एसिड की रिएक्शन एक आपने पढ़ी सिंथेसिस ऑफ हाइड्राइड एंड दूसरी आपने पढ़ी प्रोटोलिसिस तीसरी तरीके की जो रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटोन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटोन कर सकते हैं जैसे आपने एक्वस मीडियम में ऐसी रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी है कि ये जो एच टू एसओ फोर है एक एसिड है तो ये क्या कर सकता है अपने प्रोटोन इसमें से रिप्लेस कर सकता है तो ये प्रोटोन यहां से निकल के एच गैस फॉर्म हो गई तो सिमिलर वे एसिड ने जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें देखना पड़ेगा एक ऐसे मेटल से रिएक्ट किया जो मेटल इस एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ मतलब प्रोटॉन का रिप्लेसमेंट एंड डीज प्रोटॉन्स दे कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस लाइकवाइज इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं वो मेटल्स इसमें से अमोनियम में से एच को रिप्लेस करेंगे रिप्लेस करने के बाद क्या निकल गई देखे हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन गैस निकली और अमोनिया बन गई तो ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि इस जो अमोनियम आयन है उसमें से क्या निकले H प्लस निकल गए ऐसे ही देखिए कोबॉल जब एनएच फोर से जो कि एक अमोनो एसिड है ये भी एक अमोनो एसिड है ये भी एक अमोनो एसिड है तो अमोनो एसिड में से प्रोटॉन को हटा दिया प्रोटॉन को हटा दिया तो उसने क्या इवॉल्व करी एच टू गैस बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले एच टू फोर के साथ रिएक्शन पढ़ी है तो इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम दी एमिनो अमोनो एसिड्स अमोनो एसिड में से प्रोटॉन का क्या होगा रिप्लेसमेंट होगा तो तीन रिएक्शन आपने देखी हाइड्राइट्स का सिंथेसिस प्रोटोलिसिस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। फोर्थ वन हम पहले ही पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन जहां पर आपने देखा कि एक अमोनो एसिड एक अमोनो बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है सॉल्ट और सॉल्वेंट का फॉर्मेशन करता है अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया तो हम देखेंगे अब रिएक्शन ऑफ अमोनो बेसिस हम पढ़ चुके हैं रिएक्शन ऑफ अमीनो अमीनो एसिड्स अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अमोनो बेसिस कैसे अमोनो बेसिस रिएक्शन करते हैं तो अब देखिए अमाइड्स हैं एंड नाइट्राइट्स दे आर अमोनो बेसिस जिनमें एनएच टू ग्रुप होगा जिनमें एनएच ग्रुप होगा जिनमें एन ग्रुप होगा ये सब किसकी तरह एक्ट करेंगे बेस की तरह अमोनो बेस की तरह एक्ट करेंगे और ये देखिए जब ये एनएच थ्री से रिएक्ट करेंगे तो ये इसने क्या लिया इससे प्रोटोन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया इसनेगेटिव इस पे जेनरेट की तो इसका मतलब है कि ये क्या है बेस है अमोनो बेस है क्योंकि ये क्या इन्होंने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया तो प्रोटोन एक्सेप्ट जो करेंगे वो क्या होंगे बेस होंगे अब जो एमाइ्स ऑफ लिथियम सोडियम एंड एल्कालाइन अर्थमेटल्स दे आर लेस सोलबल सो दे आर नॉट अमोनो बेसिस एक्चुअली अमोनो बेस की तरह भी वो एक्ट करेंगे लिक्विड अमोनियम है कि उनको क्या होना चाहिए सोलिबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर सोलवेंट सिस्टम में तो इसमें जो अमाइड्स हैं लिथियम के सोडियम के अल्कलाइन अर्थ मेटल के वो क्या होते हैं लेस सॉलेबल होते हैं अमोनो बेसिसल होते हैं लिक्विड अमोनिया में इसलिए वो अच्छे अमोनो बेस नहीं होते जबकि के एन एच टू है ये हाई सोलिबिलिटी होती है इसकी लिक्विड अमोनिया में इसलिए ये एक अच्छा अमोनो बेस है तो अमोनो बेस अच्छा है इसलिए आपको अधिकतर रिएक्शन जो दिखाई देंगी वो किसकी दिखेगी केएनएच टू की आपको और कोई मेटल्स uh, के एल्कलाइन uh, मेटल्स के एल्कोलाइन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आपको कोई और बेस नहीं दिखाई देंगे जो रिएक्शन uh, करते हुए आपको दिखेंगे एसिड बेस रिएक्शन में ज्यादातर आपको जो दिखेगा वो केएनएच टू दिखेगा मेटल्स का जो अमाइड है तो ये क्या है एक अमोनो बेस है क्योंकि इसकी सोलिबिलिटी क्या है हाई है बहुत अब देखें अमोनो बेस कैसी रिएक्शन करता है तो अमोनो बेस एक तो रिएक्शन करेगा देखिए जैसे आपने देखा कि अमोनो जो बेस थे वो एक्वस मीडियम में क्या बनाते थे हाइड्रोक्साइड्स क्या बनाते थे हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स उनके प्रेसिपिटेशन होते हैं जैसे आपने फेरिक ऑक्साइड का प्रेसिपिटेशन पढ़ा है प्रैक्टिकल में भी पढ़ा हुआ है तो बेस की प्रेजेंस में कुछ नाइट्रेट्स हैलाइट्स वो क्या बनाते हैं ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स तो वो क्या बनता है एक्चुअली एजीओएच का क्या बनेगा पीपीटी प्रेसिपिटेट बनेगा इसी तरीके से जो अमोनो बेस होते हैं वो देखिए हेलाइट से रिएक्शन कर रहे हैं मेटल हेलाइट से या मेटल नाइट्रेट से रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं प्रेसिपिटेट बना रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमोनो बेस तो अमोनो बेस रिएक्शन कर रहे हैं और ये देखिए ए जी एन एच टू पी बी एन एच 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 जी थ्री एन टू बी आई एन इनके क्या बन रहे हैं प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो नाइट्राइड है इमाइड है अमीन है अमाइड है इनके प्रेसिपिटेट बनेंगे तो एक तो अमोनो इस तरीके की रिएक्शन करते हैं कि जैसे एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड बनते हैं उनके प्रेसिपिटेट बनते हैं ऐसे ही इन प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनोबेस नाइट्रेट्स मेटल नाइट्रेट्स एंड हेलाइट दे रिएक्ट विद अमोनोबेस टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स दूसरे तरीके की जो रिएक्शन करते हैं बेसिस वो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी पढ़ेंगे तो ये जो बेस है ये कुछ मेटल अमाइड्स के साथ रिएक्शन करके इन लिक्विड अमोनिया क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि यहां पर मैंने कैपिटल ब्रैकेट किया हुआ है तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है तो ये एच टू यानी अमोनो बेस इट कैन रिएक्ट विथ सम मेटल अमाइड सिल्वर अमाइड जिंक अमाइड सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन Compounds. तो इसका मतलब है जो आ, अमोनो बेस है वो क्या करते हैं एक तो प्रेसिपिटेशन में हेल्पफुल है जो प्रेसिपिटेशन एक्वस मीडियम में नहीं हो पाएगा वो कहा कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया में कर सकते हैं उसके अलावा ये क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन शो करेंगे सो दीज आर द रिएक्शन ऑफ अमोनो बेसिस नेक्स्ट जो रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में होती है एसिड बेस वो है अमोनिया कैन एक्ट एज प्रोटोन एक्सेप्टर अमोनिया किसकी तरह एक्ट कर सकता है प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करने का मतलब अमोनिया किसकी तरह एक्ट करेगा बेस की तरह और जो दूसरी स्पीसीज है वो किसकी तरह एक्ट करेगी एसिड की तरह तो वो स्पीसीज जो एक्वस मीडियम में एसिड हो सकती है वो लिक्विड अमोनिया में देखे वो बेस होती है कि वीक एसिड की तरह एक्ट करेगी तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए जैसे सी टी एच है इन लिक्विड अमोनिया ये एक वीक बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा पार्शियली इनके दिनों के बीच में आप देखिए इक्विली बिलियम इसका मतलब है कि वीक बेस एनएच थ्री इस एसिटिक एसिड से प्रोटोन को एक्सेप्ट करके एनएच फोर प्लस बनाएगा और सी एस टी सीओ माइनस एंड दीज आय दे आर इन इक्विली बिलियम विद एसिड्स एंड बेसिस लाइकवाइज दिस एसिटामाइड इज अ वीक बेस वीक बेस मींस ये एसिड की तरह एक्ट करेगा तो ये अपना प्रोटॉन इसको डोनेट करेगा और ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन में ये कन्वर्ट होगा और ये वीक बेस वीक बेस की तरह एक्ट कर रहा है इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है यूकिलियम है लाइकवाइज आप देख सकते हैं यूरिया यूरिया भी क्या कर रहा है अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये अमोनिया क्या कर सकता है इसमें से प्रोटोन को क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव स्पीसीज और पॉजिटिव इट इट इज़ अ वीक बेस इन अमोनिया लिक्विड अमोनिया में ही क्या है वीक बेस तो हमें इससे जो रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट है उसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि ये जो दूसरी स्पीसीज है वो कैसे एक्ट कर रही है वो वीक बेस की तरह एक्ट कर रही है या वीक एसिड की तरह एक्ट कर रही है तो ये हमें किससे पता चलेगा अगर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है और अगर ये अमोनियम आयन बन रहा है तो इसका मतलब ये बेस है और ये क्या है उस एसिडिक है मतलब ये वीक बेस है फिर आप देखिए AgNH2 है टू भी देखिए इस तरीके से इसको एक प्रोटोन देगा और ये क्या बना देगा एनएच फोर प्लस आयन बनाएगा सो अगेन इट इज वीक बेस इन लिक्विड अमोनिया सो so इसमें हमने जो कंप्लीट पढ़ा एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ दिस लिक्विड अमोनिया इज दैट एक तो हमने पढ़ा क्या एस क्या होते हैं तीन तरीके की ये होती है एक तो हम अमोनो एसिड्स की रिएक्शंस पढ़ेंगे एक अमोन अमोनियम बेसिस की पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे अमोनिया एस प्रोटॉन एक्सेप्टर ओके अब सेकेंड टाइप की रिएक्शन हम पढ़ते हैं जो लिक्विड अमोनिया में दूसरे तरीके की जो रिएक्शन होती है वो है अमोनोलिसिस या जिसको हमने आपने को मैंने पहले भी बताया था कि सोल्वोलिस सोल्वोलिसिस मीन्स जो सोलवेंट है वो क्या होगा दो भागों में टूटेगा क्यों क्योंकि इसमें क्या होगा ऑटो आयनाइजेशन होगा जब सॉल्वेंट में ऑटो आयनाइजेशन होगा तो फिर ये दो भागों में बटेगा जो सॉल्वेंट होगा एक पॉजिटिव एन एंड एनाइंस में अब इस दौरान क्या होती है जो कंसंट्रेशन होती है कैटाइन की या एनाइन की वो क्या होती है इंक्रीज होती है ओके okay? तो अमोनोलिसिस अमोनोलिसिस मतलब जो अमोनिया जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा स्प्लिट होगा केटायंस में और एनाइंस में और फिर कैटाइन या एनाइन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी क्योंकि कैटाइन या एनाइन में से एक पार्ट जो है वो सोल्यूट के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा पार्ट क्या होगा फ्री होगा तो जनरली होता क्या है कि ड्यूरिंग अमोनोलिसिस हाइड्राइड ऑक्साइड एंड दे आर बाई एनएच टू एनएच और एन देखिए यहां पर क्या है क्लोराइड ये किससे रिप्लेस हो जाएगा एनएच टू से ये हेलाइट किससे रिप्लेस हो जाएगा एनएच टू से ये हेलाइट किससे रिप्लेस हो रहा है एनएच टू से तो इस रिएक्शन के दौरान या तो ये हेलाइट किससे रिप्लेस होंगे एनएच टू से या ये रिप्लेस होंगे डबल बॉन्ड एनएच या ये रिप्लेस होंगे ट्रिपल बॉन्ड एन से तो ये डिफरेंट रिएक्शन है जो अमोनोलिसिस की रिएक्शन है ये देखिए हाइड्राइड ऑक्साइड या हेलाइट वो रिप्लेस होंगे एनएच टू ग्रुप से एनएच ग्रुप से या एन ग्रुप से तो एस एन सी एल फोर जब एनएच थ्री से रिएक्ट कर रहा है तो एनएच टू और देखिए किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई NH4+ प्लस की ऐसे BX3 जब NH3 से रिएक्ट करेगा तो किसकी कंसेंट्रेशन पड़ेगी NH4+ प्लस की क्योंकि NH2- माइनस पार्ट किस में एड हो गया है B में एक X को रिप्लेस कर दिया इसने तो इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर क्या जुड़ जाएगा NH2 जुड़ेगा किसी केस में NH जुड़ेगा और किसी केस में N जुड़ेगा तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है अमोनोलिसिस की अब इस अमोनोलिसिस की भी हम कुछ कैटेगरी देखेंगे यहां पर जो हमने रिएक्शन देखी ये क्या है अमोनोलिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक हेलाइट तो यहां पर जितने भी मैंने स्पेसीज लिए है वो क्या है सब इनऑर्गेनिक हेलाइट तो ये हेलाइट सब किस में कन्वर्ट हो रही है अमाइड में ठीक है तो ये एक तरीके की रिएक्शन है अमोनोलिसिस की जिसमें हम हैलाइट की रिएक्शन देख रहे हैं दूसरे तरीके की रिएक्शन हम देखेंगे जहां पर मेटल हाइड्राइड और ऑक्साइड एक्ट कर रहे होंगे तो देखिए मेटल हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया ये किस में कन्वर्ट हो रहा है अमाइड में फिर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन किससे रिप्लेस हो रहा है NH2 ग्रुप से तो अगेन ये भी एक अमोनोलिसिस की रिएक्शन है जहां पर हाइड्राइड या ऑक्साइड जो है वो अमाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये भी क्या है अमोनोलिसिस की रिएक्शन है। तीसरी अमोनोलिसिस की रिएक्शन हम पढ़ेंगे अब फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जो है वो अमोनोलिसिस की रिएक्शन शो कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं देखिए जनरली हम क्या करते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया ऑर्गेनिक को हम अमोनिया में रिएक्ट करवाते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया तो हमें क्या मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तो ये क्या है ऑर्गेनिक हेलाइड है जब ये NH3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाए प्राइमरी अमीन फिर ये प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा अगेन आरएक्स एंड एन थ्री से फिर क्या बनाएगा सेकेंडरी अमीन फिर ये सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करेगा आरएक्स एंड एनएस थ्री से तो क्या बनाएगा टर्शरी अमीन जहां पर एक्स क्या हो सकता है सीएल हो सकता है बी आर हो सकता है या आई हो सकता है तो हमें क्या मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन तो इस तरीके से तीन तरीके की हमने अमोनोलिस रिएक्शन देखी एक हमने कैटेगराइज कर दिया कि एक हमने कहा कि हेलाइट का अगर अमोनोलिसिस करें अगर हम ऑक्साइड्स या हाइड्राइडस का अमोनोलिसिस करें अगर हम ऑर्गेनिक कम्पाउंड का अमोनोलिसिस करें तो क्या होगा जनरली आपने देखा कि या तो जो ग्रुप है वो एन से रिप्लेस हो जाएगा या एनएच से रिप्लेस होगा या एन से रिप्लेस होगा जो तीसरे टाइप की रिएक्शन जो लिक्विड अमोनिया शो करते हैं वो है अमोनेशन रिएक्शन अब हमने क्या पढ़ी है सोलवेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ है तो जहां सॉल्वोलिटिक में क्या होता था सॉल्वेंट टूटेगा सोलवेंट टूटने के बाद एक कैटाइन या एनाइन तो मेटल से जुड़ेगा और दूसरा जो पार्ट है वो फ्री आयन की फॉर्म में दिखेगा सॉल्यूशन में लेकिन सॉल्वेशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस दूसरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा तो ऐसा आई एफ फोर जब टू एन थ्री से रिएक्ट करेगा तो एस आई एफ फोर टू एन एच थ्री ये एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया इसे हम क्या कहते हैं एडक्ट भी कहते हैं इसको हम अमोनेट्स भी कहते हैं ये अमोनेट सॉल्वेट्स एक्चुअली ये सॉल्वेट्स हैं तो अगर हम ये रिएक्शन अमोनिया में कर रहे हैं तो ये क्या है अमोनेट्स है तो इनको हम अमोनेट्स भी कहते हैं और इनको हम एडक्ट भी कह सकते हैं जैसे बी एफ थ्री ने एन एच थ्री से रिएक्शन किया तो बी एफ थ्री एनएच थ्री वन इज टू वन का रेशियो यहाँ वन इज टू टू का रेशियो एसओ थ्री जब टू एनएसटी से जुड़ेगा तो दो एन एस थ्री जुड़ेंगे तो रेशियो क्या होगा वन इज टू टू का रेशियो इन सबको हम एडक्ट कहेंगे या अमोनेट्स भी कह सकते हैं ये अमोनेट्स का फॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी बताया कैसे होता है सोलोलेशन कैसे होता है ये एक बेस है देखिए एक डोनर पार्ट है और एक एक्सेप्टर एक पार्ट है तो ये क्या करता है अपने जो डोन जो इलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है तो ये इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू वैसे सॉल्वेशन किसी भी मोड के थ्रू हो सकता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है लेकिन यहां पर जो जो फॉर्मेशन हो रहा है एडक्ट का थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसके बाद ही एडक्ट का फॉर्मेशन होगा सो दीज आर द सॉल्वेशन रिएक्शंस इन अमोनिया नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन एक्चुअली इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जहां पर हमने अमोनो एसिड्स के यूज देखे थे अमोनो बेसिस के यूज देखे थे तो वहां पर हम इसको पढ़ चुके हैं क्योंकि यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कुछ ऐसे अमाइड्स होंगे या नाइट्रेट भी हो सकते हैं तो अमाइड्स जो है वो के एन टू के साथ जब रिएक्ट करेंगे ये एक बेस है तो जब ये रिएक्ट करेंगे इन लिक्विड अमोनिया तो ये क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया जो कि एक्वस की प्रेजेंट में नहीं हो सकता तो ये इस तरीके की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन शो करता है लिक्विड अमोनिया पांचवें तरीके जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है प्रेसिपिटेशन और मेटाथेटिकल रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्योंकि प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है अपॉन सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट से रिलेटेड ये होगा प्रेसिपिटेशन तो कितने तरीके के हम प्रेसिपिटेट्स बना सकते हैं इन लिक्विड अमोनिया प्रेसिपिटेशन ऑफ एनाइट्स दर प्रेसिपिटेशन ऑफ सल्फाइड्स एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्कोलेट्स तो तीन तरीके के हम प्रेसिपिटेट बना सकते हैं लिक्विड अमोनिया एक तो हम हैलाइड्स बना सकते हैं सल्फाइड्स बना सकते हैं और एल्कोलेट्स बना सकते हैं ये वो है जिनको हम एक्वस मीडियम में नहीं बना सकते तो ये जो क्लोराइड्स हैं अगर हम देखें सोडियम बेरियम एंड एल्युमिनियम के क्लोराइड्स को छोड़कर बाकी जो हेलाइट से हैं दे आर इंसॉलिबल इन लिक्विड अमोनिया वो क्या होता है लिक्विड अमोनिया में इंसॉलिबल होते हैं तो अगर वो लिक्विड अमोनिया में इंसॉलेबल हो सकते हैं होते हैं तो हम उनको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ला सकते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब के आई एन एन एच फोर सी एल रिएक्ट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो क्या बन रहा है के सी एल यानी पोटेशियम का जो क्लोराइड है वो क्या है इनसॉलिबल है या बेरियम का जो क्लोराइड है वो क्या है इनसोल्यूबल है तो किसके क्लोराइड सोडियम को छोड़ दीजिए बेरियम को छोड़ दीजिए एल्यूमिनियम को छोड़ दीजिए इनको छोड़कर बाकी सब के जो क्लोराइड्स हैं दे आर इंसोल्युबल इन लिक्विड अमोनिया में क्या होते हैं, इनसोलिबल इसलिए हम इनको प्रेसिपिटेट करा सकते हैं जबकि बेरियम क्लोराइड को हम एक्वस मीडियम में प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते क्योंकि ये एक्वस मीडियम में सोलिबल होता है इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते ओके तो क्लोराइड्स को हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं फिर हम किसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं प्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स गेट्स प्रेसिपिटेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनियम हेलाइड विद मेटल नाइट्रेट्स ओके तो जब मेटल नाइट्रेट्स uh, और हैलाइड्स की रिएक्शन हम किससे कराते हैं हैलाइड्स uh, और नाइट्रेट की रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया तो आप देख सकते हैं कि जब एन एच फोर आई जेड एन एनओ थ्री होलड एन आई टू यानी जो जेड एन आई टू है और एस बी आर टू है आयोडाइड एंड ब्रोमाइड दे आर ऑल्सो सोलबल इनसोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया तो ये इसलिए प्रेसिपिटेट होंगे क्योंकि ये लिक्विड अमोनिया में इनसोल्यूबल होते हैं तो इसका मतलब है कि हेलाइड्स मतलब क्लोराइड्स एंड आईडाइट्स एंड देसोलिबल कुछ को छोड़कर बाकी सब क्या होते हैं इंसॉलिबल होते हैं लिक्विड अमोनिया में इसलिए हम उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं उनको बना सकते हैं लिक्विड अमोनिया में जबकि हम उन्हें एक्वस मीडियम में नहीं बना सकते हैं. प्रेसिपिटेशन ऑफ हेलाइट के बाद अगर हम दूसरे तरीके का प्रेसिपिटेशन देखें तो वो प्रेसिपिटेशन सल्फाइड्स का किया जा सकता है इन लिक्विड और इसमें आप देखेंगे सल्फाइड प्रेसिपिटेट कर रहे हैं तो क्या ले लेंगे अमोनियम सल्फाइड एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने सारे अमोनियम सोल्ट लिए देखिए अमोनियम हेलाइट अमोनियम हेलाइट ओके तो एक सॉल्ट ऐसा होगा जिसमें कि ज्यादातर केस में जहां पर क्या होगा अमोनिया का कोई एनाइन कैटाइन होगा ऐसे हमने कह के यहाँ पर अमोनियम सल्फाइड लिया अमोनियम सल्फाइड की रिएक्शन जब मेटल नाइट्रेट या हेलाइट से होती है इन लिक्विड अमोनिया तो क्या बनेंगे सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे ये प्रेसिपिटेट हम अगर यहाँ पर हम क्या ले लेते वाटर तो हम ये प्रेसिपिटेशन नहीं पास, पाते ये नहीं हो सकता बट ये हो सकता है इन लिक्विड अमोनिया ओके देन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्कोहलेट्स तीसरे तरीके का जो प्रेसिपिटेशन लिक्विड अमोनिया में हो सकता है वो है एल्कोहलेट्स का सॉल्ट ऑफ पोटेशियम एल्कोहलेट्स विद मेटल सॉल्ट फॉर्म मेटल एल्कोहलेट्स इन लिक्विड अमोनिया ये क्या है पोटेशियम एल्कोहलेट इथॉक्साइड प्लस मेटल का नाइट्रेट मेटल का सॉल्ट दे फॉर्म मेटल एल्कोहलेट्स, मेटल एल्कोहलेट्स बन गए इस मेटल के एल्कोहलेट्स बने तो ये प्रेसिपिटेट की, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं एक्चुअली वो प्रेसिपिटेट है तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गया एल्कोहलेट्स का प्रेसिपिटेट बन गया ओके नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन जो स्टडी करेंगे वो है एम्फोटेरिक बिहेवियर तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड में भी डिजोल्व हो जाते हैं और बेसिस में भी डिजोल्व हो जाते हैं उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्योंकि वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं तो जैसे आपने पानी में भी पड़े होंगे एक्वस मीडियम में ऐसे ही दिस लिक्विड अमोनिया में भी ऐसा होता है जैसे ये जिंक का एमाइड है जिंक का एमाइड जब एसिड से रिएक्ट करता है इन लिक्विड अमोनिया तो ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और ये बेस से भी रिएक्ट कर ले अमोनो बेस से भी रिएक्ट करता है और अमोनो एसिड से भी रिएक्ट करता है लिक्विड अमोनिया में तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो जिंक का अमाइड है वो क्या है एम्फोटेरिक है में। क्योंकि ये अमोनो एसिड और अमोनो बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है लिक्विड अमोनिया में आसानी से इसलिए ये क्या है एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस अब नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें एक्चुअल में सोलिबिलिटी का मतलब हम इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये लिक्विड अमोनिया में कौन से सॉल्ट या कौन से कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं कौन से इनसॉल्युबल होते हैं इसके बारे में अगर हम जानकारी देखें तो हम देखेंगे कि जो अमोनिया है लिक्विड अमोनिया इट इज पुअर सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स के लिए पुअर सॉल्वेंट है क्यों क्योंकि इसका डायइलैक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है फिर आप देखेंगे सिंकली चार्ज आयंस जैसे नाइट्रेट्स हैं परक्लोरेट्स हैं थायोसाइनाइड्स हैं साइनाइड्स हैं ये कंटेनिंग जो सोल्ट होंगे दे आर सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया जिनमें एक चार्ज होगा कम आयनिक होंगे तो वो सोलबल हो सकते हैं लिक्विड अमोनिया में लेकिन मोस्ट ऑफ द हेलाइड्स एक्सेप्ट सोडियम एंड बेलिलियम जनरली फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते, है, होते हैं तो तो वो भी लिक्विड अमोनिया में इन होते हैं सोलबल वो होंगे जिनके ऊपर चार्ज होगा जिनके एनाइंस के ऊपर फिर अधिकतर जो क्लोराइड्स और हेलाइट्स होंगे फ्लोराइड्स वो क्या होंगे इंसॉलिबल होंगे लिक्विड अमोनिया में अगर हम इनऑर्गेनिक में देखें जो हाई चार्ज आयंस कंटेनिंग सॉल्ट्स होते हैं दे आर इन्सॉलेबल इन लिक्विड अमोनिया जैसे ऑक्साइड के ऊपर दो चार्ज है कार्बोनेट्स के ऊपर दो चार्ज है फॉस्फोट के ऊपर थ्री चार्ज है तो मोर देन वन चार्ज अगर कि नहीं चार्ज आयन कंटेनिंग सॉल्ट्स में है तो वो इंसॉलेबल होंगे लिक्विड अमोनिया में क्योंकि लिक्विड अमोनिया में केवल वही सोलबल होंगे जिनके ऊपर एक चार्ज होगा आपने देख लिया एक्सेप्ट क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स जिनके ऊपर एक चार्ज होता है वो क्या होते हैं लिक्विड अमोनिया में सोलबल होते हैं बाकी इस तरीके के इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिनमें कार्बोनेट होगा फॉस्फेट होगा सल्फेट होगा सल्फाइड्स होगा वो इनसोलिबल होंगे लिक्विड अमोनिया में अब अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोलबिलिटी देखें लिक्विड अमोनिया में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कीटोन्स एल्कोहल्स हेलाइड्स फिनॉल्स एस्टर्स एंड ईथर्स एंड देयर डेरीवेटिव दे आर सोलबल इन लिक्विड अमोनिया तो जैसे कीटोन्स हैं एल्कोहल्स हैं एलडीहाइड्स हैं कीटोन इथर्स हैं और उनके डेरिवेटिव वो क्या होंगे लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होंगे जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर स्पेरिंगली सॉल्युबल तो ये क्या होंगे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे लिक्विड अमोनिया में तो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिक्विड अमोनिया अगर हम नॉन मेटल्स को देखें तो नॉन मेटल्स लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया तो नॉन मेटल्स जो है फॉस्फोरस और सल्फर भी क्या होते हैं लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल की सोलिबिलिटी को अगर देखें तो एल्कली मेटल्स आर सोलिबल इन लिक्विड अमोनिया तो लिक्विड अमोनिया में जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो सोलिबल होते हैं और जब ये लिक्विड अमोनिया में घुलते हैं तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं और वो ब्लू कलर का सोल्यूशन कैसा होता है पैरामैग्नेटिक ये अगर डायल्यूट सोल्यूशन होगा तो ये ब्लू होगा और ये पैरा मैग्नेटिक सोल्यूशन होगा एट हाई कंसेंट्रेशन अगर हम मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाए तो वो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा जो सोल्यूशन होगा और वो ब्राउन्ज कलर का हो जाएगा तो इसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है क्यों जो एल्कली मेटल्स का जो डायल्यूट सोल्यूशन है वो पैरा मैग्नेटिक होता है क्यों होता है देखिए ये जो मेटल है मेटल जो एल्कली मेटल्स है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो वो क्या होंगे एम प्लस और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होंगे और अगर हम इसे लिक्विड अमोनिया में लेंगे तो ये एम प्लस आयन्स ये क्या होंगे लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनेटेड मेटल कैटाइन बना देंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ओके तो ये जो एक्चुअल में जो कंप्लीट रिएक्शन होगी वो ये है कि मेटल प्लस एनएच थ्री तो वो क्या बनाएंगे अमोनेटेड मेटल कैटाइन भी होंगे और अमोनेटेड मेटल एनायंस भी होंगे ये किसमें होगा डोलूट सॉल्यूशन में तो जो इसका ब्लू कलर होता है कलर क्यों होता है इल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है देखिए इलेक्ट्रॉन अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं इनकी वजह से इसका कलर क्या होता है ब्लू होता है और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स ये कैसा होता है बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का ये होता है अब अगर हम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन देखें तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा एक्चुअली तो आप देखिए ये कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा हम इसमें मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो बढ़ा देंगे या तो ये इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके वापस मेटल बना देगा या फिर ये जो मेटल अमोनेटेड मेटल आयन है वो रिएक्ट करके डाईमेरिक और ट्राइमेरिक स्पेसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो इट बिकम्स डायमैग्नेटिक इन नेचर फिर ये क्या हो जाएगा ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा ये सोलबिलिटी हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि अभी आप देखेंगे ये जो सोल्यूशन है ब्लू कलर का सोल्यूशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन और ये इसकी एप्लीकेशन है कहां पर है वो हम पढ़ेंगे जो लिक्विड अमोनिया है उसकी रिडक्शन रिएक्शंस में अब आप देखिए उसकी जो रिडक्शन रिएक्शन हैं वो हमने पहले पढ़ा था कि जो अमोनिया है इट इज ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो यहां पर आसानी से कौन सी रिएक्शन हो सकती हैं रिडक्शन की रिएक्शन तो ब्लू मेटल अमोनिया सोल्यूशन एक्ट एज स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ये कैसे एक्ट करता है कि स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है ब्लू सोल्यूशन कैन इजिली सप्लाई इलेक्ट्रॉन इन द रिडक्शन प्रोसेस क्योंकि यहां पर क्या है इस ब्लू सोल्यूशन में क्या है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई कर सकता है और कई सारी स्पीसीज का ये क्या कर सकता है रिडक्शन कर सकता है तो जैसे अमोनिया आयन देखिए इससे रिएक्शन किया जो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो तो गया अमोनिया में और H2 लिबरेट हुई यानी ये जो ब्लू सोल्यूशन है ये डिकलराइज हो जाएगा क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन ने किससे रिएक्शन कर ली NH4+ फोर प्लस से तो ये जब रिएक्शन कर लेंगे तो ब्लू कलर गायब हो जाएगा इसका मतलब है कि जो ब्लू सॉल्यूशन था अमोनेटेड सॉल्यूशन उसमें से इलेक्ट्रॉन ने एनएच फोर प्लस से रिएक्शन कर ली और क्या बना दिया एनएच थ्री दूसरी देखिए आप रिएक्शन की ये जो निकिल है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर टू है जब ये अमोनेटेड मेटल सॉल्यूशन से जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं इसको रिड्यूस कर देगा देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टू से क्या कर देगा जीरो ऐसे ही देखिए आप जेड एन आई टू है जेड एन आई टू में जेड एन को जेड एन को ये रिड्यूस कर देगा और ए, कौन करेगा जो इसका सोडियम का जो अमोनेटेड सोल्यूशन होगा फिर आप देखिए जैसे सीयूआई है तो सीयूआई जो है वो सोडियम से रिएक्ट कर रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है सीयू में इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो ये जो अमोनेटेड सोल्यूशन है ब्लू कलर का ये क्या करता है कई सारे जो सब्सटेंस है उनका क्या करता है रिडक्शन करता है अब देखिए जो लिक्विड अमोनिया है वहां पर हमने कहा कि क्या होती है रिडक्शन की रिएक्शन ईजी है और जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो एक्वस मीडियम में वो वीक हो जाते हैं लिक्विड अमोनिया में क्योंकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो लिक्विड अमोनिया में वीक हो जाती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं यहां पर जो रिएक्शंस इजीली होती हैं वो होती है रिडक्शन की रिएक्शन जैसे एच को अगर हम देखें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है लिक्विड अमोनिया में जबकि जो केमेनोफोर है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है लिक्विड अमोनिया में तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी जो है वो रिड्यूस हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की इन लिक्विड अमोनिया और जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए केमिनोफोर किसमें कन्वर्ट होता है फाइनली एम में लेकिन ये जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन लिक्विड अमोनिया अब हम देखेंगे कि जो लिक्विड अमोनिया है उसको यूज करने के क्या फायदे हैं वट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया उसको सॉल्वेंट की तरह जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या है देखिए एक तो नंबर वन जो सबसे बड़ी जो इसकी एडवांटेज है वो है जो डिजोल्व जो एल्कली मेटल्स होते हैं जो डिजोल्व एल्कली मेटल्स हैं वो बिना रिएक्ट किए हुए होते हैं जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती बल्कि वो अमोनेटेड मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और अगर हम इस सॉल्यूशन को इवेपोरेट करें तो हमें वापस अल्कली मेटल मिल जाते हैं रिजेनरेट हो जाते हैं तो ये हमारे फायदे हैं कि हम और ये जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है किनके लिए वो मेटीरियल जो कि लिक्विड अमोनिया में सोलबल होते हैं तो इसलिए जो है ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका लिक्विड अमोनिया का कि उसमें जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो बिना रिएक्ट किए वही डिजोल्व रहते हैं कि हम एवोपरेट करें और हमें मेटल वापिस मिल जाता है और एल्कली मेटल्स जो है वो कैसकी तरह एक्ट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं है। और वेरियस कंपाउंड सच्चे सल्फाइड सल्फेट्स एल्कोहलाइट एंड हेलाइट अब आपने देखा था इनका प्रेसिपिटेशन हो सकता है तो ये जो प्रेसिपिटेशन जिनका हो सकता है उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं इन लिक्विड अमोनिया जो कि हम कहाँ नहीं कर पाते थे एक्वस मीडियम में नहीं कर पाएंगे तो यहां पर अगर हम सोलबल अमोनियम सॉल्ट्स लें उनमें उनके साथ हम क्या पा सकते हैं हम प्रे, जो प्रिपरेशन की जा सकती है सल्फेट्स की अल्कोहलिट्स की एंड सल्फाइड्स की सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग लिक्विड अमोनिया अब कुछ एडवांटेज भी है लिक्विड अमोनिया को यूज करने के तो वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो डिसएडवांटेजेस क्या है देखिए स्पेशल इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत है क्यों है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में है इस टेंपरेचर को मेंटेन करने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए दूसरा जो इसकी जो स्मेल है उससे भी आ, उससे भी दिक्कत हो सकती है तो इसलिए उसके लिए कुछ हमें स्पेशल टाइप के इक्विपमेंट चाहिए और इसको कहाँ रखना होता है सील्ड ट्यूब्स में बिकॉज लिक्विड अमोनिया इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर तो इसको इसके साथ काम करने के लिए बहुत केयरफुली uh, काम करना होगा इसलिए ये कुछ डिसएडवांटेज है बट इस डिसएडवांटेज के अगर हम इसको मेंटेन कर लें तो फिर इट इज यूजफुल रिएजेंट बिकॉज जनरली इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन गुड रिड्यूसिंग एजेंट वेन इट इज मिक्सड विद मेटल एंड सम अदर मेटल सल्फाइड्स और सल्फेड्स और एल्कोहलाइड्स और हाइलाइट कैन बी प्रिपेड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर इन दस मीडियम नो वी कैन समेराइज डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया अब हम समेराइज कर सकते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा अबाउट एसिड बेस रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया लिक्विड अमोनिया के जो एसिड बेस रिएक्शन है वो उसके अमोनो एसिड और अमोनो बेस की रिएक्शन पर डिपेंड करती है इसमें हमने रिएक्शन जो पढ़ी है वो पढ़ी है रिएक्शन ऑफ अमोनो एसिड्स दैट इंक्लूड्स यूज सिंथेसिस ऑफ वेरियस हाइड्राइड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, प्रोटोलिसिस एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। फिर हमने पढ़ा रिएक्शंस ऑफ अमोनोबेसिस अमोनोबेसिस की रिएक्शन में हमने पढ़ा कि ये जो है क्या बना सकते हैं हम कुछ प्रेसिपटेज परफॉर्म कर सकते हैं नाइट्राइट्स के एमाइड्स के या इमाइड्स के और इसके अलावा कॉम्पलेक्स फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल है अमोनियम अमोनो बेसिस देन हमने पढ़ा अमोनियम अमोनिया एज अ प्रोटोन एक्सेप्टर प्रोटोन एक्सेप्टर की तरह एक्ट कर सकती है दूसरी तरीके की जो रिएक्शन हमने पढ़ी अमोनोलिसिस और सोल्वोलिस की रिएक्शन reaction. तीसरी रिएक्शन जो हमने पढ़ी वो पड़ी अमोनेशन और सोलवेशन की रिएक्शन चौथी तरीके की जो हमने रिएक्शन पढ़ी वो पढ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फिर हमने पढ़ी प्रेसिपिटेशन और मैथाटिकल रिएक्शन देन हमने पढ़ी एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ सम सब्सटेंसेस इन लिक्विड अमोनिया देन सॉलेबिलिटी ऑफ कम्पाउंडस इन लिक्विड अमोनिया कैसे वो सॉलेबल है कम्पाउंड्स इन ऑर्गेनिक कम्पाउंड कैसे सोलबल है और ऑर्गेनिक कंपाउंडस कैसे सोलबल है फिर हमने पढ़ी रिडक्शन रिएक्शन की कैसे ये जो है जो इसका जो जो लिक्विड अमोनिया का जो एल्कली मेटल सोल्यूशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि वट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस लिक्विड अमोनिया उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया को एज अ नॉन एक्वा सोलवेंट तो उसके बारे में हमने पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शंस। ओके सो थैंक यू वेरी मच